फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी स्पाइसी पकौड़ों की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक प्याज, इसको हम बारीक काट लेंगे। मैंने इसमें ऐड किया धनिया और कटी हुई हरी मिर्च। ये हम ऐड कर रहे हैं सूखा धनिया पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच अनारदाना ऐड करेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च और जो है नमक हसबे जायका। ये मेरा बेबी है, ये भी जो है अकंपनी कर रहा है साथ वीडियो में। ये हम ऐड करेंगे तीन बड़े चम्मच बेसन के। यहाँ हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून्स ऑरेंज जूस, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो ये ज़रूर आप जो है ना ऐड कीजिएगा। अब जनाब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इस मिक्सचर को जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, सो डैट ये बिल्कुल जो है यकजान हो जाए। अब देखें ये कितना अच्छा सा ये मिक्स हो गया। हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, हाफ एन आवर एटलीस्ट, ताकि ये सारा जो कुछ भी इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो सेटल डाउन हो जाए अच्छे से। बहुत फिर सॉफ्ट और क्रंची जो है हमारे पकोड़े आएंगे। क्लीनिंग इज़ वेरी नेसेसरी। हर बार जब भी जो है मैं तो कुछ भी करूँ काम, तो साथ साथ जो है सफाई का ख्याल ज़रूर रखती हूँ। ये हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे जो है हीट अप किया है, और हम इसमें पकोड़े अपने जो है ऐड करें वन बाय वन। स्मॉल स्पून यूज़ कीजिएगा, बहुत बड़े पकोड़े जो है एक तो ये है कि सही तरह से वो पकते नहीं हैं, दूसरा खाने में भी जो है छोटे ज़रा ज़्यादा से इजीली मैनेज हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं, क्रंची भी बनते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्लॉट निकल आई है, देख सकते हैं कैसा इनका ब्राउनिश गोल्डन इनका कलर है। बहुत ज़बरदस्त ये आए हैं, बने हैं पकौड़े। ये जी हमारी सेकंड स्लॉट भी निकल आई। अब हम इसको सर्व करेंगे चिली गार्लिक सॉस के साथ।